हेलो गाइस, इट्स अवू खरी एंड वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप बिना एक भी मैच खेले कंट्री और रीजनल टाइटल्स कैसे ले सकते हो। तो जिन लोगों को ये नहीं पता कि कंट्री टाइटल्स कहाँ से देखते हैं, तो अपनी मेन स्क्रीन पे आना है आप लोगों। अब नीचे लेफ्ट में S13 सीजन करके एक ऑप्शन है, उसे खोल लेना है। इसे ओपन करने के बाद जहाँ पे भी आपका रैंक का सिंबल बना हुआ उसके नीचे रीजन है। रीजन खोलने के बाद आप लेफ्ट में ऊपर देख सकते हैं सोलो विंस, डुओ विंस, स्क्वाड विंस का ऑप्शन गिवन है। और डुओ में मैं इंडिया से 8th नंबर पे हूँ। गाइस, इस वीडियो के ऊपर सिर्फ मैंने 5 लाइक्स का एम रखा है, तो प्लीज़ मेक श्योर आप मेरा लाइक एम पूरा करा देना। और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। और अब बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इनिशियली आपको इस ट्रिक में सिंपली मैच स्टार्ट करना है, प्लेन से उतरना है और नीचे उतर कर सुसाइड अटेम्प्ट कर लेनी है। और ये इस ट्रिक के कुछ रूल्स हैं। फर्स्ट पॉइंट इज कि ये ट्रिक आपको अपने नेटिव सर्वर यानी कि जिस भी सर्वर में आप खेलते आए हो स्टार्टिंग से, उसमें परफॉर्म नहीं करनी है। सेकंड पॉइंट इज कि जिस भी सर्वर को आप सेलेक्ट करोगे उसमें आपको टियर हमेशा डाउन रखना है। एंड लास्ट इज किसी एक मोड में आपको अपनी रैंक गोल्ड 5 रखनी होगी, मतलब इफ़ यू आर पुशिंग डुओ तो आपको स्क्वाड में अपनी रैंक गोल्ड 5 करनी होगी। ऑलराइट गाइस, तो हम आ चुके हैं सैनॉक में। तो आप में से आधे लोग पक्का यही सोच रहे होंगे कि अबू भाई ने तो बोला था कि हमें खेलना नहीं है, तो इन्होंने ये मैच क्यों स्टार्ट कर दिया। तो डरने की कोई बात नहीं है गाइज, अगर आप मेरे नीचे पिंग देख पा रहे हो तो वो कांस्टेंट 350 प्लस आ रही है। इसका मतलब है कि मैं अपने नेटिव सर्वर एशिया में नहीं खेल रहा हूँ। तो आपको भी सिंपली किसी दूसरे सर्वर को सेलेक्ट कर लेना है जिसमें भी आपका टियर सबसे लोएस्ट हो। और अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये एक्चुअल में ट्रिक परफॉर्म कैसे होने वाली है। इसके लिए हम यूज़ करेंगे टियर डाउन मेथड, जिसका मतलब है कि हमें अपना टियर ब्रॉन्ज 5 के पॉइंट से भी नीचे करना है और वो हम गेम में कॉन्टीन्यूसली सुसाइड अटेम्प्ट करके करेंगे। उसके लिए मैं आपको कुछ स्पॉट्स बता देता हूँ सैनॉक के मैप पे, जिससे ये काम बहुत इजीली हो जाएगा। सो इस मेथड का एडवांटेज ये है कि अगर दूसरे प्लेयर्स के कंपैरेटिवली हमारा टियर सबसे लोएस्ट होगा तो हमें बॉटलॉबीज मिलने के चांसेस उनसे ज़्यादा होंगे। तो पहला स्पॉट आ चुका है गाइज हमारा केव। अब आपको सिंपली इसके माउथ पे आके यहाँ से जंप ले लेनी है और अपर वाले रैंप के ऊपर जंप होती है आपकी 10 HP बच जाएगी। अब नीचे कोई भी वाटर व्हीकल खड़ा हो उसके ऊपर आप जंप करती नॉक और डायरेक्ट फिनिश हो जाओगे। आपने नोटिस किया मेरा प्लेयर अभी तक उतरा भी नहीं और मैं लॉबी में वापस जा रहा हूँ। और अब आप मेरा सर्वाइवल टाइम देखना है यहाँ पे 0.2 मिनट्स का, विच इज़ द लीस्ट सर्वाइवल टाइम ऑफ दिस गेम। ओके, सो अब बारी है आपको दूसरे तरीके के बारे में दिखाने के लिए। मैं आपको दोबारा केव ही लेके जाऊँगा, पर इस बार आपको नॉक और फिनिश होने का दूसरा तरीका बताऊँगा। तो सिंपली हम जंप कर देते हैं और केव के माउथ की तरफ आ जाते हैं। अब सिंपली हमें पहले की ही तरह यहाँ से जंप कर देनी है रैंप के ऊपर ताकि हमारी हेल्थ फिर से 10 HP हो जाए। अब ये वाला तरीका मैंने आपको इसलिए दिखाया है क्योंकि अगर बाय चांस नीचे जेट्स की नहीं है अवेलेबल तो आप दोबारा इस वाले रैंप के ऊपर जंप करके नॉक और फिनिश हो सकते हो। अब आप लोग पक्का यही सोच रहे होंगे कि इसमें क्या है, ये तो कोई भी कर सकते हैं, तो बहुत ईजी चीज़ है, पर इसमें भी कुछ चैलेंजेस आते हैं, इस तरीके के चैलेंजेस। अब इसमें जो मेरा सेकंड प्लेयर है वो ऑलरेडी एग्जिट कर चुका है क्योंकि वो भी सेम मेरे वाली ही ट्रिक परफॉर्म कर रहा था। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब आपका प्लेयर ऑलरेडी एग्जिट कर चुका है, आप भी इस टाइम एग्जिट कर सकते हो क्योंकि कोई पॉइंट तो रह नहीं गया। चिकन डिनर तो कोई लेने नहीं वाला है जब आप नॉक हो जाओगे। एंड गाइस, मेक श्योर आप अपने दूसरे प्लेयर से पहले एग्जिट ना करो मैच को, क्योंकि आपके ऊपर प्लेइंग बैन लग सकता है जो कि 2 से आधे घंटे तक का हो सकता है। एनीवेज, हम आ चुके हैं अपने सेकेंड स्पॉट पर जो कि कैंप अल्फा के राइट में एक क्लिफ है। अब इस क्लिफ की खास बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे बहुत सारी लेयर्स बनी हुई हैं। बाय चांस आप ऊपर वाली लेयर से नीचे गिरते हो तो आप 10 HP बच जाओगे, उसके बाद आप नॉक और डायरेक्ट फिनिश हो सकते हो और भी नीचे क्रॉल करने के बाद। तो सिंपली आपको इस एज से नीचे कूदना ताकि आप 10 HP बच जाओ। एंड अब वो जो सामने वाली क्लिफ है आप वहाँ से कूद के नॉक और फिनिश हो जाना। तो गाइज, आपको कोशिश बस यही करनी है कि आपका सर्वाइवल टाइम जो है वो 1 मिनट से आपको नीचे ही रखना है ताकि आपके सर्वाइवल पॉइंट्स ज़्यादा ना बढ़े। और अगर सर्वाइवल पॉइंट्स ज़्यादा बढ़ गए तो आपको बॉट लॉबीज मिलने के चांसेस बहुत कम हो सकते हैं। ऑलराइट, तो अब हम आ चुके हैं इस वीडियो के फाइनल नॉक एंड फिनिश स्पॉट की तरफ, जो कि है बूट कैंप के पीछे वाला बड़े वाला स्टोन। आप लोगों ने पक्का वो दिखा होगा। चलिए फटाफट से वहाँ पर जंप कर लेते हैं। अब यहाँ पे जंप करने के लिए आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी ताकि आप ऊपर वाली लेयर के ऊपर ही जंप कर पाओ। एंड नाउ बाय गोइंग विद द सेम प्रोसीजर हम अपनी HP कम करेंगे नीचे वाली लेयर के ऊपर जंप करने के बाद। एंड देन उसके बाद हम यहाँ नीचे जंप कर लेंगे ताकि हम फटाफट से नॉक हो जाए। अब नॉक होने के बाद हम सामने पानी की तरफ क्रॉल करेंगे ताकि हम नॉक से डायरेक्ट फिनिश हो जाए। एंड गाइज, आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि आपको खुद ये मैचेस नहीं खेलने हैं,
आपको बस अपने ऑटो मैचिंग वाले बंदे के ऊपर डिपेंड होना है ताकि वो चिकन डिनर ले ले, और यही इस ट्रिक का बेसिस है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप इन फ्यूचर इस चीज़ को परफॉर्म करोगे तो आपके स्टैट्स कुछ इस तरीके से दिखेंगे। यहाँ पे मैंने अपना डुओ रीजनल टाइटल FPP साउथ अमेरिका में पुश किया था, लेकिन उसके साथ साथ मैंने एक बात का और ध्यान रखा था कि मैं अपना स्क्वाड में जो मिनिमम टियर है वो गोल्ड 5 मेंटेन करके चलूँ उस पर्टिकुलर सर्वर में, यानी कि साउथ अमेरिका सर्वर में। तो गाइज एक स्कैम दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को, जो टॉप 15 पे जितने भी बंदे हैं ये गोल्ड 5 आपको दिखाई दे रहा होगा, इन सभी ने यही ट्रिक परफॉर्म करके वो टाइटल्स गेन करे हुए हैं। जैसे कि इस बंदे ने अपना डुओ टाइटल यूरोप सर्वर में पुश किया हुआ है, ये देखिए इसके स्टैट्स। और सिमिलरली इस बंदे ने भी अपना जो डुओ टाइटल पुश है वो साउथ अमेरिका सर्वर में पुश किया हुआ है। एंड गाइज टियर डाउन मेथड को यूज़ करके आप नॉट ओनली जस्ट डुओ विंस, आप स्क्वाड विंस भी बहुत इजीली ले सकते हो। अब मैं आपको ऑटो मैचिंग स्मूथ करने के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि अगर आप मेरी तरह FPP में पुश करने वाले तो वो काफ़ी टाइम टेकिंग हो सकता है आपके लिए। अब बाय चांस आपसे ऑटो मैचिंग नहीं हो रही और काफ़ी टाइम आपको हो गया है लॉबी में वेट करते हो, तो सिंपली आपको ऊपर साउथ अमेरिका जहाँ पे लिखा है अपना सर्वर वहाँ पे टैप करना है और यहाँ पे कोई भी मैच बाय लैंग्वेज एनेबल करके सेलेक्ट कर लेनी है। ओके, तो फाइनली हम वीडियो के एंडिंग फेज में आ चुके हैं जहाँ पर मैं आपको इस चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स बताने वाला हूँ। तो गाइज़ अगर मैं प्रोज की बात करूँ तो सिंपली मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस चीज़ से कोई फ़ायदा नहीं होगा आपके गेम के ऊपर, बस थोड़ा टशन और टोराबाजी है कि हाँ मेरे पास कंट्री टाइटल्स है ये वो, और बस आप अपने दोस्तों के बीच में शो ऑफ कर सकते हो। बाकी अगर गाइज़ आप मेरी बात मानो तो आप इस चीज़ को अवॉइड ही करना, क्योंकि इससे बेटर तो होगा कि आप एक डेढ़ हफ्ता लगातार TDM में क्लोज कॉम्बैट की प्रैक्टिस कर लो। और वहीं अगर इसके अपोजिट में आपको इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स के बारे में बताऊँ तो इससे आपका गेम काफ़ी हद तक नेगेटिवली अफेक्ट हो सकता है, क्योंकि गाइज आप एक डेढ़ हफ्ते तक सिर्फ एंटर एग्जिट दबा रहे हो और आपकी जो गेम की खेलने की प्रैक्टिस है वो पूरी की पूरी तरीके से छूट जाएगी। ऑलराइट गाइज, तो मैं फाइनली आपको एक क्विक समरी दे देता हूँ इस वीडियो की। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपको ये चीज़ करनी है वो अपने नेटिव सर्वर में नहीं करनी है, किसी और सर्वर में जाके करनी है। सेकेंडली आपको उस सर्वर में किसी एक मोड में गोल्ड 5 का टियर मेंटेन करना होगा। एंड थर्ड पॉइंट ये कि कभी भी आपको इस चीज़ को परफॉर्म करते हुए प्लेन में एग्जिट नहीं करना है, क्योंकि आपके जो अगर विंस हो भी गए आपके पार्टनर ने ले लिए वो रजिस्टर नहीं होंगे। Alright guys, that's all for today's video. This is me Abu Khari signing on from this video. I hope you guys enjoyed it thoroughly, and if you did, make sure to hit that like button and subscribe कर दो यारो, क्योंकि ये मेरी first video है और मैं चाहता हूँ कि आपके लिए मैं बहुत अच्छी अच्छी video लाता रहूँ। तब तक के लिए bye bye.